कोरोना महामारी के चलते आम जिंदगी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो या फिर रोजगार की बात हो, हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं आम आदमी परेशान है, त्रस्त है। लेकिन ऐसे बहुत से रोजगार है जिनका जिक्र तो हम कर लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके रोजगार जाने का जिक्र होता ही नहीं है, वो फ्रंट फुट पर आ ही नहीं पाते हैं। ऐसे कई कलाकार हैं जिनका रोजगार इस कोरोना काल ने छीन लिया है। किसान आंदोलन में आज जब हम लोग आए तो कुछ ऐसे कलाकार हमें मिले। पहले जानते हैं कि उनकी परेशानी क्या है, कहाँ से वो लोग आए हैं। सर, आपका नाम और कहाँ से आप आए हैं? हम डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से, जो हरियाणा के शिरोमणि सांगी कवि दादा लक्ष्मी चंद उनकी प्रणाली से, मांगेराम जी उनकी हम पर, वो जसराज हरिचंद, पूर्णमल सेठ, ताराचंद, जो हमारी देश की पुरानी धरोहर है, हम इसको उजागर कर रहे हैं। तो इस टाइम क्या हुआ, पिछले साल भी अब की बार भी जो कलाकार है, जो लड़के लेडीज बन के नाचते, पहले सबसे देश का मनोरंजन यही था, टीवी, रेडियो, एलसीडी वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक सुविधा कुछ नहीं था। पहले सबसे हमारा देश का मनोरंजन यही था, सांग, ऐतिहासिक बात, ढोला, भजन, कीर्तन, गांव देहात के लोग भाईचारा जुड़ा करता, आपस में बात किया करते। अच्छा, तो वो ख़त्म होता जा रहा है, एक सिस्टम ख़त्म हो गया। हम पिछले साल भी महामारी में, कोरोना में, इसमें इतने परेशान हो गए कलाकार। अच्छा, अब की बार भी पब्लिक सिटी का काम है, पब्लिक जुड़ नहीं पाती। अच्छा, जब पब्लिक नहीं जुड़ती, इसमें लॉकडाउन में कलाकार जितने भी हैं, कोई तबला वाला, ढोलक, नगारा, सरंगी, आर्टिस्ट, कलाकार, फनकार जो भी हैं, गजल, कवाली, सांग, कीर्तन, भजन, इनकी स्थिति इतनी है, सरकार पे कोई ख्याल, कोई ध्यान नहीं कर रही। मान लिया, जैसे मैं अपनी बताता हूँ, घर में लड़की जवान होगी, 15 साल तक मैंने पैसे जोड़ा, 10 साल तक पैसा जोड़ा, भाई लड़की की अगली साल शादी करूँगा, तो 2 साल में जितना पैसा कमाओ बैठ के खा गए। कुछ लोग ऐसे है भाई, अपने घर में सामान बेच बेच के खा रहे हैं, चीज़ बेच दी बहू की, लड़की चीज़ बेच दी, सोच रहे भाई चलो बेड बेच दो, फ्रिज बेच दो। इस तरीके से हमारे इसमें कलाकार जो है, इस तरीके से अपना टाइम पास कर रहे हैं। कुछ लोग मेहनत मजदूरी करके वो अपना टाइम पास कर, इस पर हमारे पे कलाकार बहुत बड़ा, हमारा ये हरियाणा, यूपी, अच्छा बहुत कम से कम भी हमारे इसमें 500 कलाकार हैं जो हमारे आपस में है, उनकी सबकी आर्थिक स्थिति बहुत डाउन है, उनका भूखे मरने का नंबर आ रहा है, इसलिए यहाँ से आए थे। अच्छा, मगर थोड़ा गाना बजाना हो जाएगा, अरे थोड़ा माली खर्चा पानी दे दे, पर बात नहीं बन पाई। वो कुल मिला के सभी से, या जहाँ तक भी हमारी बात जाए, जो भाई सुन रहा हो भाई, हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है, जो गरीब आदमी है, जो लड़के लड़की बनकर अपना रूप दिखाते, भाई तारावती कौन थी, सावित्री कौन थी, मधनावत कौन थी, अच्छा नौना दे कौन थी, तो इसी में मतलब ये लड़का, एक मिनट बेटा इधर ये देखो क्या स्थिति है, गरीब आदमी है, घर के हालात बहुत डाउन है। अच्छा, लेडीज बन के ये अपनी प्रस्तुति स्टेज के ऊपर करता है, तो इसीलिए हाथ जोड़ कर ये हमारी जहाँ तक भी बात जा रही हो, सुन पा रहे हो भाई, इसमें भी हमारा सरकार कुछ योगदान दे भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी, यानी बहुत दिक्कत में है। अच्छा, नमस्कार, धन्यवाद, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। तो देखिए, किसानों की सुनो सरकार, ये तो किसान आंदोलन में आपने सुना होगा, लेकिन आज एम न्यूज आपसे कहना चाहेगी कलाकारों की भी सुनो सरकार, क्योंकि यहाँ पर किसान आंदोलन में आज कलाकार सामने आए हैं और जितने भी साधन थे वो लगभग खत्म होते जा रहे हैं इनके पास, और ऐसे में ना तो पब्लिक प्लेस पर ये अपने कला का मंचन कर सकते हैं और ना ही अब उन्हें उस तरह से आमदनी हो रही है। तो इस किसान आंदोलन के जरिए एम न्यूज आपके सामने ये मुद्दा भी उठाना चाहेगा कि कलाकारों की भी सुनो सरकार, और आप लोग भी जितना इन कलाकारों को सपोर्ट कर सकते हैं आर्थिक, फाइनेंशियल तरीके से या फिर सरकार तक इनकी बात पहुँचाने में, तो आप ऐसा जरूर कहिए। और एम न्यूज लगातार आपके सामने उन मुद्दों को लेकर आता है जिन्हें मेनस्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करता, तो ऐसे में हमारी अपील है कि ये मुद्दा आप और ज्यादा आगे लेकर जाएं।